हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल से तो समझ लिया होगा, आज का जो वीडियो है वो हेयर के ऊपर है, आईब्रोज के ऊपर है, आपकी शेविंग के ऊपर है। जिन लोगों की भी शेविंग वाइट है, आईब्रोज आपके वाइट होने शुरू हो गए हैं, हेयर आपके वाइट हो गए हैं या होने शुरू हो गए हैं, उसके ऊपर आज का वीडियो है। काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं। अगर आप मेरा कमेंट बॉक्स देखें तो कम से कम 100 कमेंट्स एक दिन में मुझे डेली आते हैं, और उसमें काफ़ी सारे कमेंट्स ऐसे होते हैं कि मैम प्लीज़ हमें सोल्यूशन बता दीजिए, जो हमारी शेविंग है वो किस तरीके से ब्लैक होगी, जो आईब्रो है वो किस तरीके से ब्लैक होगी। तो मैं आपको बता देती हूँ, जब भी आप कोई फेयरनेस क्रीम है या कोई सी भी क्रीम वगैरह है अप्लाई करते अपने फेस पे, तो यहाँ आप अपना जो आईब्रो का एरिया होता है उसको छोड़ के आप अप्लाई करा करें। और ध्यान रखें, जो भी चीज़ फेयरनेस करने की होंगी तो वो आपकी जो है आईब्रो पे ना लगे। और शेविंग में आप शेविंग छोड़कर, अगर आपने शेविंग बना रखी है तो कोई बात नहीं है, नहीं तो ये एरिया आपको इस तरीके से छोड़कर अपने फेस में अप्लाई करनी होती है, ताकि जो है वो फेयरनेस क्रीम है तो फेयर ही करेगी। तो इसलिए जो आपके आईब्रो के बाल हैं वो वाइट हो गए हैं। तो जो आज मैं आपसे वीडियो सोल्यूशन आपको दिखाने वाली हूँ, अगर आप वो अप्लाई करेंगे तो आपके हेयर कवर हो जाएंगे। अगर आप इसे डेली इस्तेमाल करेंगे, आईब्रोज पे इस्तेमाल करेंगे तो ब्लैक होनी शुरू हो जाएंगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है, थोड़ा लंबा प्रोसेस जरूर रहेगा लेकिन ब्लैक होनी जरूर शुरू हो जाएंगी। और फेयरनेस क्रीम वगैरह आप इस पे आईब्रो पे अप्लाई ना करें। और जिन लोगों की भी आईब्रोज जो है वाइट हो रही है, तो एक और काम कर सकते हैं आप, रात में जो ऑलिव ऑयल ले लीजिए या फिर कैस्टर ऑयल ले लीजिए, दोनों में से एक ऑयल आप ले सकती हैं, और हल्का से लेकर आप कॉटन में लेकर इस तरीके से आईब्रो पर अपने जो है रात को जरूर इस तरीके से अप्लाई करें, ताकि वो जो आपके वाइट हेयर हो रहे हैं आईब्रो के अंदर वो ब्लैक होने आपके शुरू हो जाए। और काफ़ी सारे जो लोग हैं वो कहते हैं कि मैम काफ़ी सारी जो मैंने हेयर की जो रेमेडी शेयर की है तो क्या हम अपने शेविंग पे इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, आप कोई भी ऐसी रेमेडी जो मैं आपकी हीना पैक वगैरह है वो आप अपनी शेविंग पर नहीं इस्तेमाल कर सकते। जो आज मैं आपको वीडियो दिखाने वाली हूँ वो आप कर सकते हैं, लेकिन उसका भी मैं आपको इस्तेमाल करने का एक तरीका बताऊंगी। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने खाली जो है एक बर्तन ले लिया है, और मैं इसके अंदर हाफ गिलास से भी कम जो है पानी ऐड करूंगी। देखिएगा, ये मैंने पानी ले लिया, जितना आपको बनाना हो उस हिसाब से आप ले लीजिए। मैं यहाँ पे हाफ से भी कम गिलास पानी ले रही हूँ। मैं इसे अब गैस पर रख दूंगी पानी को गर्म होने के लिए, जो है गर्म होने का वेट करते हैं। तो देखिएगा, ये जो पानी है ये खौल गया है। अब मैं इसमें तो 1 से 2 टेबल स्पून के करीब मैं देखिएगा चाय की पत्ती ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून ले लिए, ये बड़ा चम्मच है, और मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून के करीब यहाँ पे चाय की पत्ती ऐड कर दूंगी इसी पानी में। और ये देखिएगा, हाफ गिलास से भी अब बहुत कम रह गया ये पानी, तो 2 टेबल स्पून मैं यहाँ पे चाय की पत्ती ऐड कर दे रही हूँ। और जब तक इसका बिल्कुल डार्क कलर नहीं आ जाता है तब तक मैं इसे गर्म करूँगी। तो ये देखिएगा, ये जो है ये गर्म होना शुरू हो गया है पानी, और बहुत ज़्यादा हमें डार्क कलर कर लेना है, बिल्कुल ब्लैकिश हमें कलर कर लेना है इस पानी का। अगर आपको पानी कम लगता है तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं, फिर उसको ही गर्म करने रख दीजिए। है पत्ती का पूरा कलर अच्छे से आ गया है। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून करी पत्ता लीव्स, यानी कि करी पत्ता जो होता है उसे मैंने धूप में सुखा लिया, सुखाने के बाद उसका पाउडर फाइन बना लिया, उस पाउडर को मैं 1 चम्मच इसमें ऐड कर दूंगी। तो देखिएगा, यहाँ पे मैं 1 चम्मच जो है करी पत्ता लीव्स ले रही हूँ, यानी कि करी पत्ते का पाउडर ले रही हूँ, और मैं इन सबको अच्छे से चला दूंगी इस तरीके से, ये देखिएगा। और आप इसका कलर अच्छे से देख सकते हैं कितना ज्यादा ब्लैकिश कलर हो गया इसका, ये देखिएगा। तो ये देखिएगा, ये हमारा जो है बनकर रेडी हो गया है। और अगर आप चाहते हैं बहुत ज़्यादा ब्लैकिश कलर इसमें आए, तो आप इसमें जो है कॉफ़ी पाउडर या कत्था पाउडर, दोनों में से एक चीज़ ऐड कर सकते हैं, और मुझे यही बहुत है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ब्लैकिश ही कलर देगा। अब मैं इसे जो है एक ठंडा करकर छान लेती हूँ छलनी में। चलिए, मैं इसका पानी जो है निकाल लेती हूँ और छान लेती हूँ एक पॉट के अंदर। देखिएगा, ये हमारा जो है पानी रेडी हो गया है। और ये देखिएगा, ये चाय की पत्ती मैंने छान ली थी, अभी से आप फेंकिएगा मत, आप इसे मिक्सी में डालकर थोड़ा पानी डालकर पीस लीजिए, और इसे आप मेहंदी के अंदर, आप जब घोलती है मेहंदी तो उसमें डाल सकती हैं, नहीं तो आप पेड़ों में डाल दीजिए, बहुत अच्छे हैवी आपके पेड़ हो जाएंगे। तो ये देखिएगा, ये जो है ये पानी रेडी हो गया। अब मैं इसे जो है एक स्प्रे बोतल में या फिर आप सादा बोतल में इसे डालकर भर दीजिए, और आपको इसे ठंडा करके ही जो है बोतल में डाल देना है। तो देखिएगा, मैंने जो है पहले से ही अपने बोतल में इसे भर कर रख रखा है अपने लिए, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें भर लेना है।
और भरने के बाद या तो आप स्प्रे बोतल में भर दीजिए, अगर आपके पास स्प्रे वाली बोतल नहीं है तो सिंपल बोतल में आप इसे भर कर रख लीजिए। और मैं आपको इसको लगाने का तरीका बताती हूँ, जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप उस तरीके से लगाएंगे तो आपके बाल जो है ब्लैक होने भी शुरू हो जाएंगे और जड़ पे से ही ब्लैक। ये जो है ये हमारा सीरम जो है ये रेडी हो गया इस तरीके का, इतना लिक्विड आप इसे भरकर स्टोर कर भी रख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसका लगाने का तरीका बता देती हूँ। इस तरीके से आप ले लीजिए या फिर आप इसे स्प्रे बोतल में भी कर सकते हैं। अगर आप हेयर पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसे स्प्रे बोतल में डाल लीजिएगा। अगर आप अपनी शेविंग पर और आईब्रो पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस तरीके से आप कॉटन ले लीजिए और कॉटन लेकर आप इस तरीके से लेंगे अपने, इस तरीके से आपको हल्का हल्का इस तरीके से कॉटन में ये देखिएगा इस तरीके से डिप कर लेना है। और डिप करने के बाद जैसे ये आईब्रो है तो आईब्रो पर इस तरीके से आप जो है आपको डेली इस तरीके से फेर लेना है। ये देखिएगा इस तरीके से आप करेंगे। और अपना ये बात का ध्यान रखिएगा बिल्कुल भी आपके जो है स्किन में नहीं आए, क्योंकि स्किन हमारी अगर हम ब्लैक करने का काम कर रहे हैं तो स्किन भी फिर ब्लैक होनी शुरू हो जाएगी, कलर आ जाएगा, ब्लैक कलर जो है हमारा नेचुरल वो आ जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और देखिएगा जब हम हेयर पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इस तरीके से इसे इस तरीके से, अगर आपके बाल यहाँ से वाइट हैं तो इस तरीके से आप ले लीजिए। ये देखिएगा इस तरीके से, या ये देखिएगा इस तरीके से आप पहले मांग निकाल लीजिए अपनी इस तरीके से, और इस तरीके से आपको लेकर इस्तेमाल करना है। या फिर आप इसे स्प्रे बोतल में डाल लीजिए और इस तरीके से आप स्प्रे अपने हेयर्स में कीजिए। और शेविंग का आपको मैं तरीका बता देती हूँ, ये इसी तरह से आपको ले लेना है और जो आपकी शेव है, और जैसे यहाँ पे शेव होती है तो आपकी जो दाढ़ी है या मूंछ है जो भी है तो आप इस तरीके से ऊपर ऊपर कीजिएगा, अपनी स्किन के अंदर बिल्कुल इसे मत पहुँचाइएगा। इस तरीके से आप ऊपर ऊपर करेंगे और इसे आपको जो है वॉश नहीं करना, धोना नहीं है इसके बाद। और देखिएगा जो हमारे फेस पर जो दाढ़ी वगैरह होती है तो हम डेली ही अपना फेस वॉश करते हैं, दो टाइम भी कर लेते हैं, कभी कभी तो ऐसा होता है कि दो टाइम कर लेते हैं या कोई फेस वॉश या फेस पैक लगा रहे हैं, तो ये बहुत दिनों तक जाकर आपका वर्क करेगी, यानी कि काफ़ी टाइम लग जाएगा आपको ब्लैक करने में, लेकिन ये कोई परमानेंट आपका सल्यूशन नहीं है, इस बात का मैं आपको बता देती हूँ। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि मैम कोई परमानेंट सोल्यूशन बता दीजिए, तो उसका एक परमानेंट जो सोल्यूशन है वो मैं आपसे आज शेयर कर रही हूँ। आप आंवला खाइए, आंवला कैंडी ले लीजिए, आंवला मुरब्बा ले लीजिए, या साबुत आपको आंवला मिल जाए तो वो ले लीजिए, आंवला अपने खाने में लीजिएगा। एलमोंड जो सॉफ्ट हुए हुए ओवरनाइट आप पानी में भिगो दीजिए, वो ज़रूर आप खाइएगा, फिर देखिएगा जो आपकी नेचुरल ग्रोथ अंदर से आएगी तो वो ब्लैक ही होनी शुरू हो जाएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। काले तिल और वाइट तिल ले लीजिए, आप रोस्ट कर लीजिए, कंटेनर में भर लीजिए बिल्कुल लिटिल स्पून, क्योंकि अब गर्मियाँ हैं तो आपको बिल्कुल लिटिल स्पून अपनी किसी भी वेज में आप सब्जी में डाल लीजिए, या कैसे ही आपको जैसे खाना हो आपकी इच्छा है उस तरीके से आप अपने खाने में लीजिएगा। फिर देखिएगा आपकी जो अंदर से ग्रो होगी वो ब्लैक होनी शुरू हो जाएगी। तो आपको खाने से ही जितना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा उतना आपको लगाने से नहीं मिलेगा, क्योंकि ये चीज़ जो है या कोई भी चीज़ आप लगा लीजिए वो कोई सोल्यूशन नहीं है। हमारी यहाँ पे कोई जड़ें नहीं होती, हमारी स्किन में से ये निकल रहे हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना। ये जो है ये हेयर में तो बहुत अच्छा वर्क करेगा, लेकिन यहाँ आईब्रो और ये जो मैं आपको बता रही हूँ इसमें थोड़ा कम वर्क करेगा, तो इसका ये परमानेंट कोई सोल्यूशन नहीं है। अभी भी मैं आपको बता देती हूँ, आप लगा के देख लीजिएगा इसे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे भी आप मेरे चैनल को शेयर कर सकते हैं। और ये देखिएगा मैंने कल एक बनाना पैक जो है आपसे शेयर किया था रूट्स पे से अप्लाई करने वाला, इस तरीके से ये आप देखिएगा मेरे हेयर, ये देखिएगा जो हेयर्स हैं और कितने ज़्यादा सिल्की शाइन हो गए हैं। काफ़ी लोग पूछते हैं कि मैम आप क्या अप्लाई करते हैं, तो देखिएगा मैं वही चीज़ अप्लाई करती हूँ जो आपको दिखाती हूँ, और आप मेरे हेयर का टेक्सचर भी देख सकते हैं। और मैंने एक पुरानी आपसे पिक शेयर की थी तो वो भी आपने ज़रूर देखी होगी, कितने ज़्यादा बेकार हेयर थे मेरे, और जो मैं बालों को लंबा करने के लिए जो मैं लगाती हूँ आप देखिएगा नीचे से भी कितने ज़्यादा शाइनी हेयर हो गए हैं, आप क्लोजली हेयर हो गए हैं मेरे, ये देखिएगा। तो देखिएगा सब जो कलर है, जो मेरा कलर बिगड़ गया था बालों का, तो ये जो हेयर मास्क होते हैं आपके हेयर का जो कलर है पहले वो अच्छा करेंगे, फिर बाल आपका जो है वो हेल्दी हो जाएगा, फिर जो रिग्रो होगा जो मैं खाने के लिए आपको बता रही हूँ वो ब्लैक होगा, तो सारे बाल आपके नेचुरल ही ब्लैक हो जाएंगे। तो देखिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे भी आप मेरे चैनल को शेयर कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में नीचे आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।